सो ही गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का नई वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है। प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फोटो को एडिट करना है। अपनी फोटो को ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद अपनी फोटो को सेव करना है। इस फोटो को डिलीट करना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को एडिट करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और फिर से आपको ऊपर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके फोटो को एक्सपोर्ट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको फिर से सेव करना है। इस फोटो को फिर से डिलीट कर देना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। सेम उसी प्रकार से शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, इसी प्रकार से आपको टोटल 4 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 4 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लिया है। सो अब यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद इस जो है फोटो को डिलीट कर देना है। ओके, प्रोजेक्ट को फिर आपको यहाँ पे बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप लोग देखो क्या करना है, आपको स्लाइड करके सबसे पहले नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक देखो नीचे से 3 नंबर पे देखो, ऊपर 3 नंबर पे है जिसमें ये कट लगा हुआ है। ओके, इस पर क्लिक करना है। IMG लिखा हुआ है इमेज वाला। ओके, तो इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपने जो फोटो को क्रॉप किया उसमें से पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। आपको फोटो इस प्रकार से एड हो जाएगा। सिलेक्ट करके आगे जाना है। ओके, यहाँ पर आपको आ जाना है 6 सेकेंड पर। अब सिलेक्ट करके ऊपर चले आना है और ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फिर से मतलब इमेज वाला लेयर, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। सेकेंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। वही सेम मतलब फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेम फोटो को ऐड करते रहना है। सभी लेयर्स में आपको सेम फोटो ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको 10 सेकंड तक जो है सेम फोटो को ऐड कर लेना है, अपना सेकंड वाला फोटो को। अब 10 सेकंड के बाद 11 सेकंड से जो लेयर स्टार्ट हो रहा है डबल बीट मार्क के बाद, इसमें आपको अपना तीसरा फोटो को ऐड करना है। ओके, जो हमारा थर्ड वाला फोटो इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसके आगे जो लेयर है इसमें भी हम यहाँ पे थर्ड मतलब जो है हमारा थर्ड नंबर का फोटो इसी को ऐड करते आएंगे इस प्रकार से हम। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इसी प्रकार से लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। अब सोलह यहाँ पे 15.12 सेकंड के बाद जो लेयर आ रहा है डबल इट मार्क के बाद, इसके बाद आपको सबसे लास्ट वाला फोटो ऐड करना है इस लेयर में। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको ऐड करना है और यहाँ से लेकर अब लास्ट सभी लेयर्स में आपको इसी फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो आपको फोटोज़ को ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा फोटो ऐड हो चुका है। अब इस प्रकार से आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये फोटो कुछ ज़्यादा ही इधर चला जा रहा है, जिसके कारण मेरा जो फेस है वो नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको इधर जो है घींच के ला सकता हूँ। बस आपको लास्ट में आना है, जहाँ पर की फ्रेम है वहीं पर आपको लेके आना है, फेस को फोटो को नीचे करना है। ओके, मोबाइल ट्रांजिशन पर क्लिक करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे मैं नीचे करके इसको ला सकता हूँ एंड इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना सही से। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऊपर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके गाइस, सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना।